हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपके दोस्त होस्ट रिव्यूज विद देवांशी से देवांशी। तो आपके लिए लेके आ गई आज का नया वीडियो। तो कैसे हो आप सब? कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। कि आज मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूं बहुत ही ब्यूटीफुल कांजीपुरम आर्ट सिल्क साड़ी, जो बहुत ही ट्रेंड में है। ओके, अगर आप भी रेड साड़ी ट्राई करना चाहते हैं, कुछ लेटेस्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो बनारसी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बनारसी बहुत ट्रेंड्स में है। काफ़ी सेलेब्स भी हैं जो रेड बनारसी ट्राई कर चुके हैं। सो मैं आपको आगे की पूरी रेड साड़ी की डिटेलिंग देने वाली हूँ, रिव्यू दिखाने वाली हूँ। ये साड़ी होने वाली है अमेज़ॉन से और अंडर 1000 रुपीज़ के अंदर होने वाली है। उसके अलावा किन किन सेलेब्स ने रेड साड़ी को कैरी किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ आप बने रहना। लेकिन अगर आप पहली बार आते हैं, तो ये है आपका और हमारा चैनल रिव्यूज़ विद देवांशी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक छोटी सी आपको बेल आइकॉन आ जाएगी, उसे ऑल पे हिट कर लेंगे, तो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल रेड साड़ी, जो होने वाली अंडर 1000 रुपीज़ की। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सेलेब्स जो हैं वो रेड साड़ी बनारसी सिल्क साड़ी कैरी कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आप, हाँ ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण ने रेड साड़ी काफ़ी ट्राई की है, आपको हर तरीके की रेड साड़ी बनारसी साड़ी उनकी आपको कलेक्शंस में मिल जाएगी, और वो भी बनारसी रेड साड़ी काफ़ी कलेक्शंस में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी साड़ी पहनी है, और जो आज मैं साड़ी दिखा रही हूँ वो टोटल तो नहीं है वैसी, बट हाँ अगर आप रेप्लिका की बात करो तो आपको रेप्लिका हल्की फुल्की जो मिलती जुलती साड़ी है वैसे ही मिल जाएगी, और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न एंड डिज़ाइन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी पैटर्न एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो मैं आपके साथ आगे के वीडियोज़ में शेयर करूँगी। चलिए साड़ी आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की मिल जाती है, आप देख सकते हो। मैं भी रियल प्रोडक्ट आपके साथ दिखाऊंगी। आपको आंचल पूरा पीछे का अच्छा सा भरा हुआ मिल जाएगा, साथ में आपको इसमें ब्लाउज पीस भी इसका मिल जाएगा, जो सिल्क का ही मिल जाता है, और आपको बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज पीस में, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्टिच करवा सकते हो ब्लाउज को। तो ये है साड़ी, चलिए अब रियल प्रोडक्ट की तरफ ले चलते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ प्यारी सी ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आपको ये मिल जाती है साड़ी। तो चलिए ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि साड़ी के जो लुक आ रहा है वो किस तरीके का आ जाता है। तो फ्रेंड्स, साड़ी देखो कितनी प्यारी इन खूबसूरत साड़ी है। जो कपड़ा आपको फैब्रिक मिल जाता है वो कांजीपुरम आर्ट सिल्क का है, बट आपको लुक एकदम बनारसी साड़ी का देता है ये, और रेप्लिका के तौर पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। इसका नीचे का जो बॉर्डर आप देख सकते हो, बहुत ही बॉर्डर जो है ये प्यारा और महीन बॉर्डर आपको मिल जाता है, और साथ में आपको पूरी साड़ी में ऐसे जरी का वर्क है। ये जो आप गोल्डन गोल्डन देख रहे हो, ये सारा जरी का वर्क है, और कुछ ऐसे बहुत से खूबसूरत आपको ये नीचे का जो बॉर्डर है ये आपको मिल जाता है। बॉर्डर देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और ये मैं आपको प्रिंट दिखा रही हूँ। ऑल ओवर साड़ी में आपको ऐसे ना ये छोटे छोटे प्रिंट के डिज़ाइन हैं, ये आपको पूरे साड़ी में मिल जाएंगे। कलर जो है एकदम प्यारा सा ब्लडी रेड, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लडी रेड जो आ रहा है वो आपको आ जाता है। मैं एकदम स्लो धीमे धीमे आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको जो है साड़ी एकदम अच्छे से समझ में आए कि साड़ी का जो लुक है वो किस तरीके का आपको मिल जाता है। ये बॉर्डर आप देख सकते हो, ये एक और नीचे का बॉर्डर आपको एकदम चौड़ा बॉर्डर आपको नीचे का मिल जाता है। तो ये जो बॉर्डर है वो बहुत ही प्यारा है। ओके, गोल्डन स्ट्रिप एकदम महीन मिल जाती है, फिर जो नीचे का पूरी बेल है, फ्लावर की जो डिज़ाइन बनी है ये बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, और अदरवाइज़ आप सेकेंड हाफ में जाओगे तो आंचल जो है वो आपको बहुत ही प्यारा एंड भरा भरा आंचल मिल जाएगा। तो यहाँ आपको आंचल दिखा देती हूँ मैं, तो इस तरीके का जो है आपको आंचल का वर्क मिल जाता है। तो ये पूरा भरा हुआ आपको आंचल मिल जाता है, आंचल एकदम फुल पूरा आपको गोल्डन जरी के धागों से आपको वर्क मिल जाएगा। ये आपको आंचल दिखा रही हूँ मैं अभी, तो बहुत ही प्यारी साड़ी है। आपको इसमें ब्लाउज पीस उधर के साइड मिल जाता है, ब्लाउज पीस प्लेन मिल जाता है, और आपको ब्लाउज पीस में एक आपको बॉर्डर मिल जाएगा, जो आप अपने हैंड्स में या नेक पे जहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग आप स्टिच करवा सकते हो और आप लगवा सकते हो। ये पूरा ऑल ओवर लुक साड़ी का है। जो आप अभी आंचल का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हो साड़ी में, जो आपको आंचल में जो है बूटी बनी हुई है वो आप देखो, कुछ कमल के डिज़ाइन का ऐसा लग रहा है, लोटस के डिज़ाइन का, और कांजीवरम आर्ट सिल्क का लुक जो है वो आपको फैब्रिक में, आपको अभी आगे बताती हूँ किस तरीके का और फैब्रिक है, डिटेलिंग देती हूँ। और इस तरह की रेड साड़ियाँ जो हैं आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा हिट हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और आप इसे वियर कर सकते हो। और भी कई पैटर्न की साड़ी आपको मिल जाएगी, तो इस तरह की और भी साड़ी की जो वीडियोस हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये साड़ी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। एक जल्दी से एक फ्रंटली आप इसका लुक देख लो, कितनी प्यारी साड़ी है। आगे चलो दिखाती हूँ उसका पूरा जो डिटेलिंग देती हूँ मैं आपको अभी, बॉर्डर आंचल और भी कई तरह की इस बनारसी लुक में जो डिज़ाइन आता है वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। साड़ी में आपको जो कलर कॉम्बिनेशन है आपको और भी मिल जाएंगे, तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। एक बार आप जल्दी लुक देख लो, इसका प्रिंट देख लो, एक बार इसका जूम आउट करके एक बार पास से आपको दिखा देती हूँ।
लुक एंड बॉर्डर आप देख सकते हो, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल साड़ी ओके। और प्योर बनारसी सिल्क तो आपको इतने में नहीं मिलेगी, दिस इज़ नॉट प्योर बनारसी सिल्क ओके। अगर आप सोचोगे कि प्योर बनारसी सिल्क है, बिल्कुल भी नहीं, प्योर बनारसी सिल्क ये नहीं होगी ओके। कपड़ा जो है इसका लाइट वेटेड है, बट हल्का सा बनारसी सिल्क से थोड़ा सा दूसरे टाइप का आर्ट सिल्क टाइप का मिक्स इसमें कपड़ा आपको मिल जाता है। और ये जो इसका बॉर्डर है, हम जोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो प्रिंट है वो जरी से काम किया गया है, धागे जो जरी के धागों से इसमें काम आपको मिल जाता है। बट इट्स नॉट 100% प्योर बनारसी सिल्क, बट इट्स अ गुड वन साड़ी एंड यू कैन बाई दिस। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ केयर जो इंस्ट्रक्शन है वो बता देती हूँ। आपको केवल ड्राई क्लीन करनी है साड़ी को ओके। एंड फैब्रिक मैं आपको मस्त बता देती हूँ, दिस कांजीवरम स्टाइल साड़ी, कांजीवरम स्टाइल साड़ी है, बनारसी लुक की जो साड़ी आपको मिल जाती है ओके। सॉफ्ट फिनिशिंग है आर्ट सिल्क फैब्रिक का ओके। इट्स लुक लाइक कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी, बट इट्स अ सॉफ्ट आर्ट सिल्क फैब्रिक ओके। एंड इट्स गुड वन टू वियर एंड ईजी टू कम्फर्टेबल टू वियर है ओके। साड़ी की जो लेंथ है वो आपको 5.5 मीटर की मिल जाती है, प्लस आपको 0.8 मीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर का आपको इसमें ब्लाउज पीस जो अवेलेबल हो जाता है, वो आपको अपनी स्टिच करवाना पड़ेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। एंड द कलर इस साड़ी इज़ रियली वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा कलर मिल जाता है। अगर आप अपने वार्डरोब में रेड कलर और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है, पार्टी वियर साड़ी मिल जाती है, पहनोगे तो बहुत ही एलिगेंट एंड खूबसूरत लुक आने वाला है इसका ओके। सो फ्रेंड्स, ये आपको ग्लोरी साड़ी स्टोर की तरफ से मिल जाता है। साड़ी का जो नाम है वो वुमेन्स कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी ओके, विथ ब्लाउज पीस के साथ आपको मिल जाता है। और भी कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं इसमें, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हो। मैंने रेड कलर आपको दिखाया है, बट आप और भी कलर्स देख सकते हो। आपको साड़ी की जो प्राइसिंग है वो 820 रुपये की मिल जाती है, जी हाँ 820 रुपये की मिल जाती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी अच्छी मिल जाती है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने वार्डरोब में तो बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल लगने वाली है। और काफ़ी मुझे ये मिलती जुलती लगी बॉलीवुड सेलेब्स के साड़ी कलेक्शंस के साथ में। और सबसे अच्छी बात है कि कम प्राइस में साड़ी जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। तो चलिए, अगर आपको साड़ी अच्छी लगी है तो आप इससे एक लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो और बाय। और फ्री डिलीवरी के साथ मिल रही है, 30 डेज एक्सचेंज एंड रिप्लेसमेंट का आपको इसमें ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि और किस टाइप्स की आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं देवांशु आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।